Hello, this is Saransh Kumawat and you are watching me on Cast India. In last class, I told you about simple present tense and today I am going to teach you simple past tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन ने उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जो कि रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं, डेली बेसिस पे अपन करते हैं, एंड वो एक्टिविटीज़ जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है और अब अपनी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। सिंपल पास्ट टेंस में हम उन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, पास्ट में ही स्टार्ट हुई और पास्ट में ही वो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। जैसे मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था पास्ट में और क्रिकेट खेलना ख़त्म भी कब हुआ? पास्ट के अंदर। तो वो एक्टिविटी जो पास्ट में ही स्टार्ट हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई। जब अपन सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हम डिड की बात करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं, डिड। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू डस से बात करते थे, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन डू, थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो डज, बट यहाँ पर अपन डिड से ही बात करेंगे, सिर्फ एक अकेला वर्ड ही यूज में लेंगे। अब भले वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अपन डिड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? नॉर्मल स्ट्रक्चर सबसे पहले तो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। मैंने पहले भी कहा कि डिड यूज़ होगा, अब भले वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। सिंपल पास्ट टेंस जो है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह नहीं होता कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के लिए डू आएगा, थर्ड पर्सन के लिए डज आएगा। यहाँ पर तीनों ही पर्सन्स के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? डिड यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म, एक्शन की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब मैंने बता दिया, फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सभी के साथ जो है एक्शन की सेकेंड फॉर्म लगेगी। ये तो थे नॉर्मल सेंटेंसेस जो हम नॉर्मली बात करते हैं। बारिश हुई थी मतलब इट रेन्ड। रेन की सेकेंड फॉर्म होती है रेन। बारिश स्टार्ट हुई थी पास्ट में और ख़त्म भी कभी हो गई? पास्ट में ही हो गई। तो वो एक्टिविटीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, उसमें अपन एक्शन की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की हम, इट रेन्ड, ठीक है। मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने इंग्लिश सीखी थी, आई लर्न इंग्लिश। ऑलमोस्ट जितनी भी सेकेंड फॉर्म होती है एक्शन की वो ईडी पे ख़त्म हो जाती है, ईडी पे ही ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट सारी एक्शन की सेकेंड फॉर्म। प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड होती है, लर्न की सेकेंड फॉर्म लर्न होती है, रेन की सेकेंड फॉर्म रेन होती है। तीनों में ही ईडी से ही एंड हुई है सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मैंने इंग्लिश बोली थी, आई स्पोक इंग्लिश। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सेकेंड फॉर्म कौन सी हुई? स्पोक, ठीक है। फिर मैं बात करूँ, मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। गो, वेंट और गॉन, सेकेंड फॉर्म कौन सी हुई? वेंट हुई। सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, मैं मार्केट गया था मतलब पास्ट में कभी गया हूँगा और पास्ट में ही मैं मार्केट जाकर घर भी आ गया था। तो पास्ट में ही एक्टिविटी स्टार्ट हुई और पास्ट में ही एक्टिविटी ख़त्म हो गई। आई वेंट टू मार्केट, आई सब्जेक्ट, ये एक्शन की सेकेंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्शन की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आई वेंट टू मार्केट, मैंने उसको मारा था। आई किल्ड हिम। किल की सेकेंड फॉर्म किल्ड, ईडी आ गया,
तो ये थे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स। किससे बात करेंगे? सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। डिड आता है कहाँ कहाँ आता है? डिड आता है जब अपन सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछते हैं या फिर मना करते हैं। ये तो थे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, ये तो थे नॉर्मल स्ट्रक्चर जब हम बताते हैं कि हमने पास्ट में क्या किया था। जब अपन किसी से पूछते हैं कि क्या तुमने किया था, क्या उसने किया था, तो अपन डिड से क्वेश्चन पूछते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डस से पूछते थे, यहाँ पर डिड से पूछते हैं। अब किसी के लिए भी पूछे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सब में डिड से ही क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड से क्वेश्चन पूछे गए। अब यहां पर तो एक्शन की सेकंड फॉर्म थी, बट यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? यहां पर भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर ऑलरेडी डिड आ गया है तो हमें एक्शन में सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। डिड अपने आप में एक सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड है। जहां डिड आ गया, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, बीते हुए कल की बात कर रहे हो, तो एक्शन में सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही पास्ट वर्ड आ सकता है जो पूरे सेंटेंस को पास्ट का बना देता है। अब यहां पर ऑलरेडी डिड आ गया है तो एक्शन में सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई बताने वाला ही नहीं था कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो अपने को एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी। यहां डेड आ गया तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल कैसे पूछेंगे? क्या तुमने इंग्लिश सीखी थी? क्या तुमने इंग्लिश सीखी थी? डिड यू लर्न इंग्लिश? डिड यू लर्न इंग्लिश? डिड यू लर्न इंग्लिश? डिड सब्जेक्ट यू, यू सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन भी अगर यहां पर होता तो भी अपन डिड का ही इस्तेमाल करते। लर्न, लर्नड नहीं आएगा, क्या आएगा? लर्न आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सवाल पूछ रहे, सवाल पूछते टाइम डिड आ जाता है तो एक्शन में सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या तुमने इंग्लिश सीखी थी? कि क्या तुमने ये काम पास्ट में किया था? डिड यू गो टू मार्केट? डिड यू गो टू मार्केट? डिड यू गो टू मार्केट? क्या तुम मार्केट गए थे? क्या तुम मार्केट गए थे? अब यहां वेंट नहीं आएगा, क्या आएगा? गो आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर डिड आ चुका है तो वेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर अपन थर्ड पर्सन की बात करें, क्या वह इंग्लिश सीख रही थी? कह रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डिड की अगर मैं बात करूं कि क्या उसने इंग्लिश बोली थी, कल क्लास चल रही थी, अब आप सवाल पूछ रहे हो क्या उसने इंग्लिश बोली थी? डिड शी स्पीक इंग्लिश? डिड शी स्पीक इंग्लिश? डिड शी स्पीक इंग्लिश? ठीक है, यहां स्पोक नहीं आएगा, क्या आएगा? स्पीक आएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या आ चुका है? डेड आ चुका है। यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह नहीं है कि भाई यू के साथ डू, शी के साथ डज, यहां पर सबके साथ ही क्या आएगा? डेड आएगा। एक बात और मैं बता दूं, मार्केट से पहले हम हमेशा टू लगाते हैं, लेकिन जब अपन घर की बात करते हैं तो होम से पहले कभी भी टू नहीं आता। होम से पहले कभी भी टू नहीं आता, क्योंकि होम तो हम घर तो हम रोज जाते हैं, लेकिन मार्केट रोज तो ना जाते हम, तो होम घर पे जाना ये कॉमन है। मार्केट हम रोज रोज नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ पर टू आया है। घर हम रोज जाते हैं, इसलिए इसके आगे टू नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ होम का यूज करता, डिड यू गो होम? डिड यू गो होम? तो टू नहीं आता यहाँ पर, तो होम से पहले टू नहीं आएगा, मार्केट से पहले आएगा, क्योंकि मार्केट हम हर रोज नहीं जाते, यही एक रीजन है। ठीक है, तो होम से पहले कभी भी टू नहीं आता। तो ये थे कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। डिड से पूछेंगे और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही पास्ट का वर्ड आ सकता है और वो ऑलरेडी आ चुका है, क्या? डिड। अगर मैं बात करूं कि मना कैसे करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, मना कैसे करते हैं,
नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर मना कैसे करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां भी क्वेश्चन अराइज होगा कि यहां पर भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर सेकंड थी, यहां पर फर्स्ट क्यों आई? क्योंकि डिड आ चुका है, क्योंकि डिड ऑलरेडी आ चुका है। तो पूरे सेंटेंस में जब एक डिड आ गया, एक पास्ट का वर्ड आ गया, इसके आते ही ये पूरा सेंटेंस पास्ट का बन गया, तो एक्शन में सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर मैं मना करूं तो कैसे करूंगा? मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसने इंग्लिश नहीं बोली थी, उसने इंग्लिश नहीं बोली थी, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। वह घर नहीं गया था, वह घर नहीं गया था, ही डिड नॉट गो होम, ही डिड नॉट गो होम। तो यहाँ हमने टू क्यों नहीं लगाया? बिकॉज हम यहाँ होम की बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ बात कर रहा था तो मार्केट का यूज़ किया था, मार्केट से पहले टू आता है, होम से पहले नहीं आता। तो इस तरीके से आप मना करोगे। तो सिंपल चीज़ क्या है, जब अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो एक्शन की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड से पूछेंगे, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हम पास्ट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं उससे कि उसने पास्ट में क्या किया था। मना करते हैं तो डिड नॉट से करते हैं। जहाँ जहाँ डिड आता है वहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिड कहाँ कहाँ आता है? क्वेश्चन पूछते टाइम और मना करते टाइम, यानी कि कब नहीं आता? नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं आता, और जहाँ नहीं आता वहाँ पर एक्शन की सेकंड फॉर्म अपन यूज़ करते हैं। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि डू डज, वो एक्टिविटीज़ जो रेगुलर बेसिस पे होती है। सिंपल पास्ट टेंस वो एक्टिविटीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, तो उसके लिए अपन डिड का यूज़ करते हैं। तो ये था आपका सिंपल पास्ट टेंस। अगर मैं बात करूँ अब कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स की, टेन वोकैबुलरी वर्ड्स, टेन वोकैबुलरी वर्ड्स। अगर मैं 10 वोकैबुलरी वर्ड्स की बात करूं, फर्स्ट जो अपना आता है वो है सम्शियस, सम्शियस SUMPTOUS। अगर कोई वर्ड रिपीट भी हो रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको वो याद आ जाएगा। जितना ज़्यादा अपन एक वर्ड यूज़ करेंगे, जो भी नया वोकैबुलरी वर्ड है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, हम उसको याद कर लेते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। सम्शियस, सम्शियस का मतलब होता है कीमती, कोई चीज़ जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लग्जरी कोई चीज़ है जो काफ़ी कॉस्टली है। अगर मैं बोलूँ एक्सपेंसिव, काफ़ी कीमती चीज़, सम्शियस एक्सपेंसिव। Do you have a sumptuous car? Yes, I have a sumptuous car. क्या तुम्हारे पास कीमती गाड़ी है, महंगी गाड़ी है? हाँ, मेरे पास महंगी गाड़ी है। उसके पास महंगी गाड़ी है, He has a sumptuous car. I have a sumptuous shoes. Sumptuous shoes का मतलब होता है कि भाई महंगे जूते हैं मेरे पास। I have a sumptuous shoes. Sumptuous, sumptuous. Second, इसी से मिलता जुलता वर्ड है scrumptious, scrumptious. Scrumptious. Scrumptious means mouth watering. बहुत स्वादिष्ट, कोई भी खाना जो काफ़ी स्वादिष्ट है, इसका synonym हो सकता है क्या? Delicious, delicious हो गया, tasty हो गया,
या फिर आप कह सकते हो माउथ वाटरिंग हो गया। बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके, माउथ वाटरिंग हो गया। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, इसको किसी एग्जाम्पल में यूज़ करूँ, सपोज सिंपल पास्ट टेंस का ही कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मेरी मम्मी ने स्वादिष्ट खाना बनाया था, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट में बनाया था, ठीक है, मेरी मम्मी ने स्वादिष्ट खाना बनाया था, माई मॉम कुक्ड स्क्रम्शियस फूड, माई मॉम कुक्ड स्क्रम्शियस फूड, टेस्टी बोल सकते हैं इसकी जगह, वी कैन ऑल्सो स्पीक डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग। तीसरा जो वर्ड है वो है कैप्रीशियस, कैप्रीशियस। कन्फ्यूज मत होना, प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज इन द प्रोनंसिएशन ऑफ दीज टू वर्ड्स। ये सम्शियस है, सम्शियस, ये है स्क्रम्शियस, यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी है, सम्शियस स्क्रम्शियस, मीनिंग भी दोनों का एकदम अलग है। तीसरी मैं बात कर रहा हूँ कैप्रीशियस की, कैप्रीशियस का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में बोलूँ सन की, कोई ऐसा इंसान जिसका बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, या किसी के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कोई अनप्रेडिक्टेबल इंसान जो कभी भी अपना व्यवहार चेंज कर सकता है, बिहेवियर चेंज कर सकता है, इट मींस वो इंसान कैप्रीशियस है, ही इज कैप्रीशियस, शी इज कैप्रीशियस। इस कैप्रीशियस को अपन जो है क्लाइमेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मौसम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मौसम भी कभी भी बदल सकता है, अभी बारिश हो रही है, क्या पता अभी धूप आ जाए 5 मिनट बाद, तो क्लाइमेट भी एक तरीके से कैप्रीशियस ही होता है। अगर इसकी शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो मतलब सन की, क्लाइमेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज़ दीज वर्ड्स फॉर पीपल एज वेल। फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो इंसिपिड, इंसिपिड, इंसिपिड का क्या मतलब होता है, टेस्टलेस। ये इंसिपिड जो है वो स्क्रम्शियस का एंटोनिम है, इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, यानी कि बेस्वाद, बेस्वाद, फीका। आई मेड इंसिपिड टी, आई मेड इंसिपिड टी मतलब मैंने बहुत फीकी चाय बनाई थी, फीकी चाय, बेस्वाद चाय, टेस्टलेस, इंसिपिड माने टेस्टलेस। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ। और सिक्स्थ की मैं बात करूँ, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन। पुट ऑफ का तो मतलब होता है कपड़े उतारना, या फिर अपन इसको स्लिपर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, पुट ऑफ योर स्लिपर्स, पुट ऑफ योर शर्ट, ओके, तो पुट ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतारना, चप्पल उतारना, स्लिपर्स उतारना, इसी का उल्टा पुट ऑन होता है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर स्लिपर्स, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर सॉक्स, ठीक है, तो ये होता है पुट ऑन, पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑफ यानी उतारना, पुट ऑन माने पहनना। पुट ऑफ की जगह अपन टेक ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, टेक ऑफ योर स्लिपर्स, टेक ऑफ योर शर्ट, ठीक है। ये तो था कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अगर मैं सेवेंथ वर्ड की बात करूं, सेवेंथ वर्ड यानी कि डिलैपिडेटेड, 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 कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, ठीक है, बैड कंडीशन में है, तो उन बिल्डिंग्स के लिए अपन डिलैपिडेटेड का यूज़ करते हैं, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग लुक्स डिलैपिडेटेड, दिस बिल्डिंग लुक्स डिलैपिडेटेड, ठीक है, जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में है, जहाँ पर कोई भी सालों से नहीं रहा हो, डिलैपिडेटेड। एट्थ अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो वर्ड है वो है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि पेटू, अ पर्सन हु इज फूडी, हु लाइक्स टू ईट फूड, हु लव्स फूड, ठीक है, जिसको खाना बहुत पसंद होता है, एकदम पेटू होता है, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो पेटू इसका मतलब होता है, तो उसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है। नाइन्थ अगर मैं बात करूँ तो एक होता है गेट ऑन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, और एक होता है गेट ऑफ, गेट ऑन यानी कि चढ़ना, गेट ऑफ यानी कि उतरना, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन मतलब ट्रेन पे चढ़ो,
बस पे चढ़ो, गेट ऑन को अपन बोर्ड भी बोल सकते हैं, बी ओ ए आर डी, गेट ऑफ यानी कि उतरना, गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गेट ऑन और गेट ऑफ ये दोनों चीज़ें जो है कार के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज कार में हम चढ़ते ही नहीं, कार में हम अंदर बैठते हैं, चढ़ते कहाँ हैं, बस में, ट्रेन में या फिर एरोप्लेन में। तो इन तीनों व्हीकल्स के लिए अपन गेट ऑन और गेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, गेट ऑन द प्लेन, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन फास्ट, गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द प्लेन। तो ये जो है वो दो फ्रेजल वर्ब है, गेट ऑन, गेट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑन, ठीक है। टेंथ यही था। तो ये थे आपके 10 वोकैबुलरी वर्ड्स, जिसमें से 4 तो क्या हैं, फ्रेजल वर्ब्स, और बाकी जो 6 है वो क्या हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, कीप ऑन वॉचिंग काश इंडिया।